Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. गाइस जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि WWE का जो रेसलमेनिया 40 का जो किक ऑफ एक इवेंट WWE ने रन किया था लास वेगास में लास्ट थर्सडे को, वहां पे हमने देखा कि तभी वो इवेंट खत्म हुआ, हमको रोमन रेंस और द रॉक एक साथ वो अरीना छोड़ते हुए दिखे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ये चीजें कब हुई, तभी गाइस रोमन रेंस ने कोडी रोड्स के पिताजी के ऊपर कुछ गलत बातें बोले, तो कोडी रोड्स ने भी गाइस गुस्से में आके रोमन रेंस के परिवार के बारे में उल्टे सीधे बातें बोले। और जैसे ही वो रोमन रेंस के परिवार के बारे में उल्टे सीधे बातें बोलते हैं, तभी गाइस द रॉक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि द रॉक रोमन रेंस के कजन ब्रदर है, यानी अगर कोडी रोड्स गाइस रोमन रेंस के परिवार को गाली दे रहे हैं, तो गाइस समझ लो गाइस वो द रॉक को भी इनडायरेक्टली गाली दे रहे हैं। और गुस्से में आकर गाइस द रॉक ने कोडी रोड्स को थप्पड़ मार लिया था, और तब से गाइस हमको दिख रहा है कि द रॉक और रोमन रेंस एक साथ है। और जो कमिंग फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड है गाइस, वहां पे भी गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ये एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हमको द रॉक और रोमन रेंस एक साथ रिटर्न आते हुए दिखने वाले हैं। यानी गाइस हमारे द रॉक ने अनऑफिशियली या ऑफिशियली टीम ब्लडलाइन तो ज्वाइन करते हुए देख लिया है। अभी फिलहाल जो रोमन रेंस की टीम ब्लडलाइन है उसमें गए सब जो रोमन रेंस के रिलेटेड रेसलर्स है, जैसे कि हमारे रोमन रेंस कोर, फिर द रॉक, फिर जिमी उसो, सोलो सिकोवा, लेकिन एक बंदे की कमी पड़ती है जो कि है मेन इवेंट जे उसो। हमको पता है कि WWE में हमारे जे उसो और रोमन रेंस के हमको फ्यूड दिखी थी समर स्लैम के वक्त, जहां पे समर स्लैम में जाके रोमन रेंस को चैलेंज किया था जे उसो, लेकिन ऑलमोस्ट जे उसो जीते थे, तभी उनको उनके भाई ने जिमी उसो ने धोखा दिया और तभी फिर रोमन रेंस ने चैंपियनशिप रिटेन किया। और गुस्से में गाइस जे उसो ने WWE क्विट करके वो रॉ पे चले गए थे। और अभी गाइस पूरे ब्लड लाइन के स्टोरी में एक ही बंदा मिसिंग है जो कि है हमारे मेन इवेंट जे उसो। तो गाइस ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं और रूमर्स है कि जे उसो गाइस हमको पॉसिबली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में वापस से रिटर्न आते हुए देख सकते हैं रॉ छोड़ के, और वो पॉसिबली गाइस हमको टीम ब्लड लाइन ज्वाइन करते हुए देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी गाइस ब्लड लाइन में आ गए हैं द रॉक, जो कि रोमन रेंस से भी बड़े हैं। अभी देखते गाइस रोमन रेंस कैसे एड्रेस करते हैं रॉक को, तो इसलिए गाइस द रॉक जाके खुद जे उसो को वापस से उनके ब्लड लाइन में वापस लाते हुए देख सकते हैं। वो पता है गाइस WWE वालों को बड़े बड़े एंगल्स रन करने हैं, तो इसलिए गाइस पॉसिबल हमारे जो कि द रॉक है गाइस वो खुद से जाके हमारे जे उसो को वापस लाते हुए देख सकते हैं द ब्लड लाइन में, जिससे कि फिर हमको पूरी ब्लड लाइन एक साथ होते हुए देख सकती है। एंड गाइस द रॉक अगर चाहे तो गाइस वो ही वो बंदा है जो कि जे उसो को वापस से ब्लड लाइन में ला सकते हैं। तो देखते हैं कमिंग वीक्स क्या एंगल प्ले आउट होते हैं, पॉसिबल एंगल है जहां पे जे उसो का रिटर्न टू द ब्लड लाइन हो सकता है। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगे।